हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि 360x किक कैसे करते हैं और आप उसे कैसे जल्दी जल्दी और कुछ आसान स्टेप्स में सीख सकते हैं। सो 360x किक का यूज़ स्पेशली मार्शल आर्ट्स फाइट्स में, ताइक्वांडो में और MMA में होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम टर्न होना सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पैर से आपको किक करना है वो पैर बिल्कुल इस तरीके से आगे रखना है जिस पैर से आप किक कर रहे हैं, और फिर दूसरा पैर पीछे रखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस पैर को इस तरीके से यहाँ से पीछे घुमाना है, इस तरीके से ऐसे पैर को बनने पीछे घुमाना है और अपने कंधे को भी ऐसे पीछे घुमाना है और पीछे साइड देखना है इस तरीके से। उससे पहले स्टेप आपको ये करना है, यहाँ से एक बार फिर से देखिए, पहले इस पैर को पीछे घुमाना है इस तरीके से और फिर इस पैर को भी घुमाना है उधर और फिर अपने कंधे को ऐसे पीछे घुमाना है पूरा और फिर ऐसे पीछे देखना है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे। इसके बाद फिर आपको यहाँ से टर्न होने के बाद जो पैर आगे है, जो पैर पीछे रहता है वो अब आगे हो जाएगा, उसको उठा के बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ लाना है इस तरीके से। जैसे देखिए पहले यहाँ से टर्न होने के बाद आपको ये पैर उठाना है और इसको उठा के ऊपर ऐसे सामने की तरफ लाना है और पैर को पीछे लगा रखना है। फिर से देखिए पहले पीछे घूमना है, उधर देखना है, फिर ये पैर उठाना है इस तरीके से बैंड करके उसको जैसे वापस उसी पोजीशन में आना है। इसके बाद आपको इसमें जंप ऐड करना है, यहाँ से टर्न होने के बाद आपको फिर इसमें इस तरीके से जंप ऐड करना है। पीछे की बार यहाँ से टर्न होना है, इसको उठाना है, फिर यहीं से आपको इसमें जंप ऐड करना है। और आप जंप करने के लिए अपने हाथ का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि और ऊपर आप जंप कर सकें। यहाँ से टर्न हुए, इसको उठाना है और अपने हाथों का यूज करते हुए ऊपर जंप करना है इस तरीके से। जंप करने के बाद अब हम किक करना सीखेंगे। तो किक करने के लिए आपको सिंपल बस इस पोजीशन में खड़े हो जाना है और पीछे पैर उठाना है, इस तरीके से बैंड करना है इस तरीके से, और फिर यहाँ से जंप करना है और फिर आपको दूसरा पैर भी उठाना है इस तरीके से, दूसरा घुटना भी मोड़ने की कोशिश करना है इस तरीके से, यहाँ से टर्न होना है, जंप करना है, दूसरा पैर भी उठाना है। फिर से देखिए एक बार, यहाँ से टर्न होना है, पीछे देखना है, जंप करना है, दूसरा पैर उठाना है, फिर यहीं से आपको इसमें एक्स की ऐड करना है इस तरीके से। पहले धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से खड़े होना है ये और ऐसे धीरे धीरे किक उठाने की कोशिश करना है, यहाँ से इस तरीके से धीरे धीरे, बस आपको पहले प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। और किक का हाइट आपको ऐसे धीरे धीरे ऊपर करते जाना है और फिर आपको इसमें और भी ज्यादा स्पीड और पावर इंक्रीज करना है। अब कोशिश करना है आप और स्पीड करिए और ऊपर जंप करिए और किक को भी और तेजी से ड्रॉप करिए। और किक करते वक्त हमेशा ध्यान देना आपको कि जो पहले पैर उठाएंगे इसको जितना ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा किक को और ऊपर उठाने के लिए। तो इस पैर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना है इस तरीके से, ये जो पैर पहले है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है, जितना ज़्यादा उठाएंगे उतना ही बेटर होगा आपके लिए और आप उतना अच्छे से किक कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ उठाना, जितना उठा सकते हैं बिल्कुल ऊपर उठाना है इस तरीके से यहाँ से, और फिर किक को ड्रॉप करना है बिल्कुल पावर के साथ। आई होप आपको 360x किक समझ में आ गया हो और सभी स्टेप को ऐसे आपको फॉलो करना है और ऐसे प्रैक्टिस करना है जिससे आप आसानी से और जल्दी जल्दी इसे सीख जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।